वाह, चलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है यार। और ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, आज इतनी ज्यादा बारिश हो रही है भाई साहब। यार आज तो खतरनाक बारिश हो रही है। एंड यहाँ पे शायद ये दोनों चेयर्स यार यही सिंचन चौप ने हटा दिए होंगे। और भाई सिंचन चौप, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? क्या ही होगा फ्रैंकलिन भैया, बोर हो रहे हैं और क्या। अरे क्यों भाई, बोर क्यों हो रहे हो तुम लोग? और यार ये चेयर्स टेबल्स कौन हटाया है यार? तुम लोगों ने ही हटाया होगा? बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, हम ही लोगों ने हटाया है। चलो यार बहुत बढ़िया काम किया। वैसे भी यार आज बारिश हो रही है, कहीं हम लोग बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। देख रहे हो यार, पूरा ऐसा लग रहा है खतरनाक तूफान आने वाली है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, तूफान तो देख सकते हो आ ही चुकी है, अब और क्या आएगी। चलो फिर भाई हम लोग भी यार ऊपर चलते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। आज तो कुछ बाहर जाने लायक भी नहीं है, वही मस्त भाई पिज्जा बर्गर मंगाएंगे। हाँ फ्रैंकलिन भैया सच में। अरे हाँ यार सच में, हम लोग वहीं पे पिज्जा बर्गर मंगाते हैं। और भाई चॉप, तुम बस हर जगह हगते रहो। फ्रैंकलिन भैया ऐसा तो मत बोलो मुझे। अरे तो और क्या बोलूं यार, तुम ऐसा काम ही कर रहे हो। अच्छा चलो भाई, अब ज्यादा देर तुम लोग लगाओ मत, आ जाओ भाई ऊपर टीवी वाले रूम में। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, अब चलो हम भी आते हैं। और भाई ये देख सकते हो यार, ये दोनों लोग आ चुके हैं। तो बताओ यार तुम लोग क्या खाना चाहते हो? सिंचन चलो पहले तुम बताओ क्या खाओगे। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो खाना है 2 बर्गर, 2 पिज्जा, 2 मोमोज और भी बहुत कुछ। अरे भाई बस बस यार, कितना ज्यादा तुम खाओगे? फ्रैंकलिन भैया आपने पूछा तो मैंने बता दिया, अब मंगाओ फटाफट सब कुछ। चलो भाई ठीक है, तो चॉप अप तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है भाई। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो एक बहुत बड़ा सा पिज्जा चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। अरे भाई इतना बड़ा पिज्जा तो नहीं आता है। चलो भाई मैं क्या करता हूँ यार, कुछ बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, तुम लोग भी खा लो। और तब तक भाई हम लोग न्यूज देखते हैं। एंड सबसे पहले तो यार कॉल करके बोलना पड़ेगा। ओके तो भाई यहाँ पे हमने लगा दिया है डोमिनोज को कॉल। हेलो सर, हम कुछ पिज्जा और बर्गर्स ऑर्डर करना चाहते हैं। ठीक है सर, अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके तो मैंने यहाँ पे आपको एड्रेस मैसेज कर दिया है। एंड हमें चाहिए टोटल 4 पिज्जा एंड 4 बर्गर्स। चलो भाई तो तुम लोगों का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब फटाफट यहाँ पे आराम करो। तो ये देख लो भाई, मस्त यहाँ पे हमने आग जला दिया है इसमें, ताकि यार ये रूम हमारा थोड़ा सा तो गर्म हो जाए। बाहर देख रहे हो यार कितनी ज्यादा ही बारिश हो रही है। सच में यार बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। क्यों सिंचन, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। चलो भाई तो अभी थोड़ी देर में कमरा गर्म हो जाएगा, तब तक हम लोग यार टीवी को ऑन करते हैं। एंड ये कार्टून नहीं देखना है यार, रुको मैं सबसे पहले न्यूज लगाता हूँ, देखूं भाई बारिश का क्या हाल है। बाहर तापमान 10 के नीचे चला गया है, कृपया सब लोग अपने अपने घर में रहें। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए आप अपने घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि बाढ़ आने के भी कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई सिंचन, हमारा पार्सल आ चुका है यार, तुम जाओ लेके आओ। फ्रैंकलिन भैया चले जाओ ना यार, इतनी ठंडी है मुझे बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा ठीक है भाई, खड़े रहो रुको मैं लेके आता हूँ। और भाई कहाँ गए यार ये? ओके तो भाई यहाँ पे खड़े हैं। हेलो सर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं मेरे पैसे दो, मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस तो यहाँ पे यार हमारा यार पिज्जा बर्गर सब कुछ आ चुका है। ठीक है यार सिंचन अब खाना शुरू करो। फ्रैंकलिन भैया लेकिन यहाँ पे ये 4 पिज्जा क्यों है? अरे यार 2 मैं खाऊंगा और 1-1 तुम लोग। पर ये तो चीटिंग है ना फ्रैंकलिन भैया। क्या चीटिंग भाई, मेरे पैसे लग रहे हैं, मैं 2-2 खाऊंगा, तुम लोग 1-1 खाना। नहीं हम शेयर करेंगे। अच्छा ठीक है चॉप, हम लोग शेयर करके खा लेंगे। और भाई न्यूज सुना यार तुम लोगों ने? भाई यार यहाँ तक कि यार बाढ़ भी आ सकती है। भाई सच में यार देख सकते हो यार, इतना खराब मौसम हो जाएगा आज, मैंने तो सोचा भी नहीं था। एंड ये क्या भाई, अभी सुबह सुबह सिमियन का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो सिमियन क्या हो गया? और फ्रैंकलिन भाई क्या हाल चाल है? अरे ठीक हूँ यार मैं, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या हो गया भाई, कैसा काम करना है मुझे? भाई मेरी 3 कार्स कलेक्ट कर दो यार, मैं उसके पैसे दे दूंगा। अरे यार आज भी तुम मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे। भाई देख रहे हो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है यार बाहर की तरफ, तुम आज हमें काम करने को कह रहे हो? कर दो भाई, पैसा ले लेना यार उसके बदले। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ पे हो बताओ? फटाफट भाई तुम ऑब्जर्वेटरी के पास आ जाओ। चलो भाई ठीक है मैं आता हूँ ऑब्जर्वेटरी के पास। गाइस तुम लोगों ने सुना यार कितना ज्यादा खराब हो गया? क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया? अरे यार भाई सिमियन का कॉल आया था और उसको भाई 3 कार्स कलेक्ट करवानी है। चलो यार कोई नहीं, हम लोग चलते हैं अभी फटाफट, कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लेते हैं यार, हम लोग बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चलो सिंचन चल रहे हो तुम? हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं चल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है भाई, 1-1 बर्गर हम लोग खा लेते हैं और पिज्जा आके खाएंगे। तो गाइस मैंने तो यार यहाँ पे ये स्वेटर पहन लिया है और हम लोगों ने भाई बर्गर भी खत्म कर दिया। तो चलो यार सिंचन अब हम लोग निकलते हैं। एंड चॉप तुम यहीं पे रहो भाई, तुम यार थोड़ा घर
का ध्यान रखना और हम दोनों आज चलते हैं भाई कार्स लेके आने उसकी। चलो यार सिंचन जल्दी से आ जाओ कार में। और भाई यार जल्दी बैठो यार, कार के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। वैसे भी भाई चौप को ले आते तो उसे कार के छत पे आना पड़ता। सिंचन कहाँ रह गए भाई तुम? फ्रैंकलिन भैया आ रहा हूँ, एक मिनट बस। चलो यार सिंचन भी आखिरकार आ चुका है, चलो यार जल्दी से बैठ जाओ। अरे भाई पीछे वाली सीट पे बैठे हो क्या तुम? हाँ फ्रैंकलिन भैया आज बहुत ज्यादा ठंडी है, मैं पीछे आराम से बैठूंगा। चलो कोई बात नहीं। वैसे यार सिंचन मैंने सोचा नहीं यार, चॉप तो यार सारे पिज्जा खत्म कर देगा। हाँ फ्रैंकलिन भैया वो तो यार सारा पिज्जा हमारा खा जाएगा, लेकिन फ्रैंकलिन भैया मुझे दोबारा से चाहिए। अच्छा ठीक है यार मैं मंगा दूंगा फिर से। अभी के लिए गाइस हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं ऑब्जर्वेटरी के पास। हाँ दोस्तों उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो। बिल्कुल भाई सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। और यार वैसे देख रहे हो यार सिंचन कितनी बारिश हो रही है यार, हमारी कार कितनी ज्यादा स्लिप कर रही है ना। हाँ फ्रैंकलिन भैया थोड़ा आराम से चलाओ यार। वैसे रोड पे भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा, एकदम ही भाई रोड पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। बस यहाँ पे देखो यार एक यहाँ पे कार दिखाई दे रही है एंड तो कोई भी नहीं दिख रहा है भाई। और भाई सिंचन हम लोग पहुँच चुके हैं यार ऑब्जर्वेटरी पे, तुम्हें कहीं दिखाई दे रहे हैं यार सिमियन अंकल? हाँ फ्रैंकलिन भैया वहाँ गेट पे हैं। ओके भाई तो चलो मुझे भी दिख गया, लेकिन ये यार ऐसा रोने जैसा क्यों मुंह बनाया है? जल्दी यार सिंचन इधर आ जाओ यार वरना ठंड लग जाएगी। क्या हो गया यार सिमियन क्यों रो रहे हो? अरे भाई फ्रैंकलिन मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी दो कार्स मेरे शोरूम में है और वहाँ बाढ़ आ चुकी है, क्या तुम निकाल के लाओगे? हाँ भाई सिमियन हम लोग लेते आएंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे बहुत बहुत थैंक यू फ्रैंकलिन, तुम इस सबमरीन से चले जाओ। ओके ठीक है भाई तो मैं सबमरीन को लेके जा रहा हूँ। चलो यार सिंचन हमें यार इसका काम करना है यार किसी तरह, जल्दी से भाई इस सबमरीन को हम लोग इस पे लोड करते हैं। पर फ्रैंकलिन भैया ये काम ये खुद भी तो कर सकते हैं। अरे यार जाने दो भाई, उसके पैसे वो दे देगा, वैसे भी भाई हमें पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो चलो यार जल्दी से पहले तो यार इस सबमरीन को हम लोग लोड करते हैं, क्योंकि यहां से इसे ड्राइव करके तो नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है सिमियन मैं जा रहा हूं तुम्हारी कार लेने के लिए। चलो भाई ये देख सकते हो यार इसकी सबमरीन ऊपर मैंने लोड कर दी है एंड इसमें भाई मैग्नेट लगा हुआ है एक, तो भाई यार उसके शोरूम में हम लोग जाएंगे, वहाँ दो कार्स हैं जिसे उठा के लाना है। वैसे वो तीन कार की बात कर रहा था, चलो दो हम लोग इसे देंगे, उसके बाद वो बताएगा शायद तीसरी वाली। फ्रैंकलिन भैया लेकिन उधर बहुत बड़ी सुनामी आई है, जरा बच के चलना। बिल्कुल भाई हम लोग संभल के चलेंगे, यहाँ देखो यार सूखा पड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि पुल के नीचे है हम लोग। और गाइस देख सकते हो भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और भाई यहाँ हम लोग लगभग सिटी सेंटर में आ चुके हैं और इधर तो यार एक भी गाड़ियां दिख नहीं रही है, बस यार हम लोगों की कार है एंड सामने मुझे बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है। भाई सिंचन देख रहे हो? हाँ फ्रैंकलिन भैया प्लीज यार आगे मत जाओ। अरे भाई हमारे पास यार ये सबमरीन है, रुको भाई मैं यहीं पे सबमरीन उतारता हूँ, इसमें बैठ के हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रैंकलिन भैया मैं तो जा रहा हूँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई डरो मत यार, रुक जाओ हम लोग जल्दी से अब सबमरीन में बैठते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो यार हम दोनों बैठ चुके हैं इसके अंदर, सिंचन भी वहाँ भाई आगे मेरे साथ बैठ चुका है और बस हम लोग पानी का वेट करते हैं, जैसे इस तरफ पानी आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे सिंचन। हाँ फ्रैंकलिन भैया अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। एंड गाइस ये देख सकते हो यार हम लोग निकल चुके हैं इस सबमरीन से और भाई साहब आगे बहुत ज्यादा पानी है सिंचन, ये देखो दोबारा से पानी खत्म हो गया और हम लोग यार फिर से लैंड पे आ चुके हैं। चलो यार अब जल्दी से हम लोग निकलते हैं यार सिमियन के शोरूम के तरफ, भाई यार इसे ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है यार सिंचन। हाँ फ्रैंकलिन भैया लेकिन आप यार अगल बगल की दुकानें देखो, सब कुछ पानी में डूब चुका है। बिल्कुल भाई मैं भी देख रहा हूँ सारा कुछ यार पानी के अंदर आ चुका है। अब जल्दी से पहुंचे भाई, देखें उसकी कौन कौन सी कार है जिन्हें हमें लेके आना है। एंड गाइस ये देख सकते हो यार हम लोग पहुंच चुके हैं ये सिमियन के शोरूम पे और इसके बाहर यार दो कार्स मुझे दिखाई तो दे रही हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया कार से दो मुझे भी दिख रही हैं। बिल्कुल भाई सिंचन एंड शायद यही दोनों कार से, एंड ये दोनों तो यार एक सुपर कार से सिंचन। रुको भाई मैंने यार मास्क वगैरह पहन लिया है तो हम लोग इससे उतर के बाहर देखते हैं। भाई फ्रैंकलिन थोड़ा संभल के। अरे यार इतना ज्यादा पानी का प्रेशर है कि क्या ही बताऊं। फ्रैंकलिन भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे सिंचन, मैं रुको भाई एक बार कार को अच्छे से देख लूं कि यही वो कार है ना। भाई सिंचन यही दोनों कार से यार जिन्हें हमें लेके जाना है, ये बहुत ज्यादा मुझे कॉस्टली लग रही है। हाँ फ्रैंकलिन भैया यही कार से जल्दी से अब आप अटैच करो। एंड गाइस ये देख सकते हो भाई हमने इस कार को अटैच कर लिया है, अब जल्दी से यार इसे लेके निकलते हैं इससे पहले कि यार वो वाली कार कहीं बह के चली जाए। इसे भाई जल्दी से हम लोग दे के आते हैं सिमियन
नियॉन को और उसकी सेकंड कार को फटाफट लेने आते हैं। और भाई बस बस हम लोग इस सुनामी से बाहर आने वाले हैं। एंड ये देखो गाइस, हम लोग यार बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहीं पे मैंने अपनी कार खड़ी की थी जो कि अभी भी चलो यार सुकर है यहीं पे। चलो यार सिंचन जल्दी से यार इस कार को उतारते हैं हम लोग। और भाई फिलहाल के लिए मैंने यार इस कार को यहाँ लगा दिया। एंड एक बार देखो यार ये कार कितनी ही ज्यादा मस्त लग रही है, इस पे व्हाइट ब्लू का कॉम्बो कितना जहर लग रहा है गाइस। सच में यार इसीलिए वो कह रहा था और सिंचन तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए। भाई तुम कहाँ चले गए? फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा था। अरे भाई तो डर लग रहा था तो अंदर रहो ना भाई, बाहर मत निकलो। तुम देख रहे हो यार कितनी तेज बाढ़ आई हुई है। हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो अंदर बैठते हैं। चलो गाइस फिर से हम लोग बैठ चुके हैं और भाई यार सिंचन बाढ़ आ चुकी है, जल्दी हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। भाई यार ये पानी कभी कभी आ रहा है और फिर वापस अपने तरफ चल जा रहा है, तो इसलिए भाई उसी समय हमें अपनी इस सब मरीन को आगे बढ़ाना है। अब चलो भाई जल्दी से हम लोग उस कार को भी लेते हैं। और सिंचन मजा आ रहा है इसके अंदर? हाँ फ्रैंकलिन भैया मजा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। एंड गाइस हमने यार ये सेकंड कार को भी यहाँ से उठा लिया। अब चलो भाई इसे भी जल्दी से हम लोग लेके चले अपने लोकेशन पे। फ्रैंकलिन भैया ये एक बूस्टर वाली कार है यार। हाँ भाई हर कार ये बहुत ज्यादा मस्त लग रही है मुझे। इसमें भाई पीछे देखो यार क्या मस्त सा बूस्टर्स दिया गया है। एंड इस सेकंड कार को भी भाई हमने ले दिया है वहीं पे जहां भाई पहली बारी लगाई थी। बस हम लोग भाई सुनामी से ये निकल चुके हैं बाहर। चलो भाई तो अब सब कुछ हम लोग जल्दी जल्दी अरेंज करें ताकि यहां से जल्दी निकल पाए। एंड गाइस ये देख सकते हो यार मेरे इस छोटी सी कार पे इतना ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है और भाई ये तो यार पानी आ चुका था। चलो यार तेजी से भगाते हैं। फ्रैंकलिन भैया जल्दी निकलो यार यहाँ से। हाँ भाई बिल्कुल, मैं बहुत तेजी से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देख सकते हो भाई तीनों गाड़ियों को हमने इसी के ऊपर लोड कर दिया है। अब जल्दी से पहुँचते हैं भाई ऑब्जर्वेटरी के पास। और सिंचन उसकी शायद एक कार और है ना? हाँ फ्रैंकलिन भैया वो कह तो रहे थे उनकी शायद एक कार और ले आनी है, तो चलो यार उसकी उस कार को भी ले आ देते हैं हम लोग। यार उसका इतना काम तो कर ही सकते हैं। सिमियन भैया ले आ दी फ्रैंकलिन भैया ने आपकी कार। अरे भाई ठीक है यार मैंने ले आ दी, इतना ज्यादा आप ढिंढोरा मत पीटो। क्यों नहीं फ्रैंकलिन भैया हमने कितनी मेहनत करके ले आई है। बिल्कुल यार सिमियन अब रोने की जरूरत नहीं है, चलो हमें लास्ट लोकेशन बता दो अब। अरे थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है भाई पैसे वैसे की बात हम लोग कर लेंगे, अभी आखिरी लोकेशन बता दो मुझे, मैंने तुम्हारे मैप पे मार्क कर दिया है। ठीक है भाई तो हम लोग निकलते हैं तुम्हारी नेक्स्ट कार को लेने के लिए। वैसे एक बार मैं तुम्हारी कार चला लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर चल रही है तो चला लो। चलो यार सिंचन आओ देखे भाई क्या ये चल पाएगी अभी भी। वैसे यार कितने देर से ये पानी में पड़ी हुई थी, चलो ट्राई करते हैं। वैसे गाइस इतनी ज्यादा शानदार कार है। एंड भाई ये तो यार चलाने लायक है, इसके डोर्स देखो यार कितने मस्त ओपन हुए। फ्रैंकलिन भैया इनसे बोलो यही कार हमें दे दें। अरे नहीं भाई ये कार तो ये बिल्कुल नहीं देगा, इसका इंटीरियर एक बार देखो गाइस आप लोग, क्या कूल लग रहा है यार। फ्रैंकलिन भैया मुझे ये कार बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल यार मुझे भी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, चलो इसे वापस यहीं पे खड़ी कर देते हैं। एक बार यार इस कार पे भी हम लोग बैठ के देखें ये कैसी लग रही है। फ्रैंकलिन भैया ये सब चीजें चौक मिस कर रहा है ना? हाँ यार मिस कर रहा है, लेकिन भाई वो बैठ के हमारे सारे पिज्जा खत्म कर दिया होगा अब तक। एंड इसमें तो भाई ये मस्त सा यार बूस्टर भी है। कहाँ गए यार सिंचन? आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है भाई बैठो जल्दी से, इसका मैं एक बार भाई बूस्टर चला आगे देखता हूँ यार कितनी दूर तक जाती है। तो चलो यहाँ पे चलाया और भाई क्या स्पीड है यार इस कार की। अरे यार थोड़ा आराम से चलते हैं, चलो वापस यहाँ से चलाते हैं इस तरीके से कि हम लोग यार सिमियन के पास जाके रुक जाएं। ठीक है सिंचन टाइट से पकड़ लो। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया। और भाई साहब देख सकते हो यार कितनी ज्यादा तेज चली है। चलो यार मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा टूटी फूटी तो नहीं है, इसे वापस हम लोग यहीं पे पार्क कर देते हैं। एंड चलते हैं यार इसकी लास्ट कार को भी लेके आने। और ये लोकेशन तो भाई कितना ज्यादा नजदीक था। हाँ फ्रैंकलिन भैया ये तो एकदम ही बगल में था। हाँ भाई शायद सिमियन को डर होगा कि कहीं ये कार भी वो खो ना दे। वैसे ये यार कोई सस्ती बुगाती टाइप की लग रही है फ्रैंकलिन भैया। हाँ वैसी ही है कुछ कुछ, इसमें भाई लोगो बस देख सकते हो यार अलग अलग है। चलो भाई तो तुम कौन सी कार चला रहे हो सिंचन? फ्रैंकलिन भैया मैं ये सुपर कार चलाऊंगा। ठीक है भाई तो जाओ तुम उस सुपर कार को चलाओ, मैं भाई इसे ड्राइव करता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो यार सिंचन उस वाली कार को ड्राइव करने के लिए जा रहा है, और थोड़ा भाई आराम से चलाना, ऐसा नहीं कि उड़ाने लगना। हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं धीरे-धीरे आऊंगा। चलो आओ भाई आगे तो बढ़ो। आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया चलो तो आप। ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ यार, लेकिन तुम वहाँ रुके क्यों, आओ जल्दी से। फ्रैंकलिन भैया ये गेट नहीं खुल रहा है। अरे भाई गेट ऑटोमेटिक नहीं है भाई, तुम आगे बढ़ाओ गेट खुल जाएगा। चलो ठीक है अब आ जाओ फटाफट। एंड गाइस यार अब हम लोग निकलते हैं यार, हम दोनों जल्दी
जल्दी से यार उस लोकेशन पे, आराम से चलाना भाई, उड़ा मत देना। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। चलो यार अब हम लोग जल्दी से निकलें। गाइस अभी तक यार मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा यार हमारे अलावा, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। एंड गाइस हमने ये फाइनल कार भी ले दी है। एंड सिंचन आराम से यार, भाई ये कितना ज्यादा तेज चला रहा है। भाई तुमसे कहा मैंने कि आराम से चलाओ। अरे सॉरी यार फ्रैंकलिन भैया। भाई चलो यार अब धीरे धीरे चलाओ, एटलीस्ट अब उतर जाओ यहाँ से, अब आगे नहीं जाना है। लो भाई सिमियन मैंने तुम्हारी सारी गाड़ियाँ ले दी हैं, अब मेरा पैसा निकालो ताकि हम लोग भी जल्दी से जाएं यार, हमारा पिज्जा ठंडा हो रहा है। ठीक है फ्रैंकलिन, तो वो व्हाइट ब्लू वाली कार तुम्हारी हुई। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सिंचन सुना तुम्हें, सिंचन सुना तुमने क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे यार ये व्हाइट वाली कार मेरी हुई। गाइस यार ये कार मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी यार सच में। आ जाओ भाई जल्दी से इसमें बैठो, हम लोग इसे लेके चलते हैं फटाफट यार अपने घर पे। फ्रैंकलिन भैया मैं तो इस कार के छत पे रहूंगा। चलो यार जो भी हो तुम वहीं रहो, मजे करो। एंड गाइस यार सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है यार कि ये कार हमारी हो चुकी है। फ्रैंकलिन भैया अब चलो जल्दी से हम लोग पिज्जा खाने चलते हैं। बिल्कुल भाई, चलो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हां दोस्तों इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भाई, मिलते हैं अब एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।